अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप मेरी हालत को देख रहे होंगे। इसका बुनियादी मकसद आपको बताने का ये है कि आपको मट्टी किस तरह हील करती है। अल्लाह ने आपको मट्टी से पैदा किया और आपने दोबारा मट्टी में ही जाना है, और आपके आप जो खुराक इस्तेमाल करते हैं, कभी आपने सोचा वो सिर्फ मट्टी ही आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो मट्टी खास तरह के फैक्ट्री से यानी कुदरती फैक्ट्री से होकर आप तक पहुँचती है। यानी आप फल सब्जियां ना जो कुछ आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो असल में प्रोसेस मट्टी ही होती है। तो अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं तो आपको ताल्लुक मिट्टी से जोड़ना होगा। बहुत से लोग मट्टी से दूर रहते हैं, उनका मानना होता है कि मट्टी में जरासीम मौजूद होते हैं जिससे आपको कोई भी बीमारी लग सकती है। ये हकीकत नहीं बल्कि एक मिथ है। मिथ में हकीकत क्या छुपी हुई है ये वो आप जान सकते हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जो मट्टी है आपकी बॉडी को चार्ज करती है। दोस्तों रिसर्च ये बताती है कि इंसान की 90+ जो अमराज हैं वो उसकी गट की खराबी की वजह से पैदा होती हैं। तो गट की खराबी को अगर आप दुरुस्त करना चाहते हैं तो आपको मट्टी से ताल्लुक जोड़ना होगा। अभी जो हमने मड थेरेपी की बात की, अगर आप मड थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं या उसको आप लागू करते हैं अपनी बॉडी पर, तो आपकी गट और उससे जुड़े जितने मसाइल हैं वो बड़ी आसानी के साथ बगैर किसी दवा के इस्तेमाल के वो हल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंसोमनिया का इशू है, आपको IBS का इशू है, या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या आपको वो जो अक्सर लोगों को हेपेटाइटिस की वजह से उनका खाने की कंडीशन सही नहीं होती या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन पैदा होती है, इन तमाम मसाइल के हल के लिए मड थेरेपी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बहुत सी माएँ अपने बच्चों को मट्टी से दूर रहते हैं जिसकी वजह से उनकी कुव्वत मुदाफ़े डाउन होती है, बनस्बत उन बच्चों की जो मट्टी में खेलते हैं, कूदते हैं, फलते फूलते हैं। अगर आप अपने बच्चों को मट्टी से दूर रखेंगे तो बच्चों की आपकी इम्यूनिटी वो कमज़ोर होगी, क्योंकि हम ये चीज़ों से अवेयरनेस हमें नहीं होती। और बहुत सी खास तो पढ़ी लिखी खवातीन भी गलती कर रही होती हैं कि अपने बच्चों को दूर रखती हैं, बल्कि ये देखा गया है वो बच्चे जो मट्टी से ज़्यादा करीब रहते हैं या मट्टी में खेलते हैं, खासतौर पर गाँव के रहने वाले लोग, ये देखा गया उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, बल्कि उनकी उम्रें भी देखा गया ज़्यादा होती हैं वो लोग जो मट्टी के ज़्यादा करीब रहते हैं, बनस्बत उन लोगों की जो मट्टी से दूर रहते हैं, अपने आप को बड़े सोफिस्टिकेटेड रखते हैं। जितनी तरह के जो बाद में अमराज पैदा हो रहे होते हैं, जिस तरह हार्ट के इशूज़ पैदा हो रहे होते हैं, या आपकी बॉडी सही तरह से वर्क नहीं कर रही होती, उसकी एक बड़ी वजह ये होती है क्योंकि आप अपनी बॉडी को जो कि पैदा ही अल्लाह ने आपको मट्टी से पैदा किया उससे आप दूर रखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रहे कि आपने मट्टी को सिर्फ जिस्म पर लगाना है, उसकी आपने रगड़ाई नहीं करनी या जिस्म को आपने खराश की कंडीशन में लेके नहीं आना, क्योंकि आपने इससे सिर्फ फ़ायदा हासिल करना है। ये जब मट्टी आपके जिस्म पर लगेगी तो आपकी बॉडी को जो चार्जिंग है, याद रखिएगा ये जो मड है जो गारा, जब इस पर धूप पड़ती है तो इसके जो खास तरह के जो इसके एटम है उसमें खास तरह की एनर्जी ये गेन करते हैं, और वो एनर्जी जो वो गेन करते हैं जब आपकी बॉडी पर यही मट्टी लगती है, यानी कि ये मट्टी उस मट्टी से ज़्यादा बेहतर है धूप में जो रहती है, जो कि जिस पर धूप नहीं पड़ती उससे ज़्यादा ये मट्टी ले, यानी कि आप बाहर से मट्टी लें जहाँ पे धूप अच्छी तरह पड़ती है, तो वो आपकी बॉडी को सही अच्छे तरीके से चार्ज करेगी। जिस तरह आप ये देख रहे हैं ये भाई मुझे मट्टी लगा रहे हैं, तो इस तरीके से आप एक घंटा काफ़ी आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपको मुश्किलात का सामना ये मट्टी आप हासिल नहीं कर सकते, तो अगर आपका कोई दोस्त या आपके अजीज़ों कारब किसी गांव के रहने वाले हैं, क्योंकि आज के जिस तरह मौसम चल रहा गर्मी का, लोग मूंजी वगैरह जो लगा रहे हैं, तो आपको बड़ी आसानी के साथ मट्टी मिल सकती है। तो उसके लिए आप किसी बाहर आप किसी गाँव में किसी दोस्त के यहाँ जाके ये जो मड थेरेपी है ये आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को आपने इंजॉय भी किया होगा और बहुत लर्न किया होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यकीनन आप इन कुदरती मेथड्स को अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी को, और ख़ास तौर पर ब्लड डिजीज को इश्यूज हैं, बड़ी आसानी के साथ बगैर किसी दवा के इस्तेमाल के, जिसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, आप ये तमाम तरह के फायदे हासिल कर सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की मुफीद वीडियोज आप तक मिलती रहें और आपको किसी भी दवा के इस्तेमाल आपको ना करना पड़े, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल के आइकन का प्रेस करना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना कीमती समय देना, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।